बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम भैन भाई, उम्मीद करना ठीक ठाक हो। जिथे रहो हंसते थे मुस्कुराते रहो, साड़ियाँ दुद्ध नाल अल्लाह पाक तुम खुश रखे, खुश ते बाद रखे। अल्लाह पाक किसी चीज़ दिन थोड़ दे, अल्लाह पाक तुम्हारे कारोबार पर तफा, जेड़े बीमार अल्लाह पाक उन्होंने शफा तफा, जेड़े औलाद नहीं अल्लाह पाक उन्होंने औलाद देवे। सोना मालिक सारे रहमत करे, हर दा पला करे, हर दी खैर करे। और अल्लाह ने याद करके आज दे व्लॉग दा करदे पे जीगा, सुबह सुबह अल्लाह दा नाम लिया और सोने मालिक दा नाम लैके और काम शुरू हो गया। और भाई ने बुला लेंदा है क्योंकि उन्हें भाई ने और सुबह सुबह ना फर्स्ट टाइम आ गया, उन्हें कहा भी ना सुबह सुबह ना ठंड च ना किड़ा है ना काम कर लेने, क्योंकि रात को ना इतने साढ़े को ना मेले लगे हुए। इसने क्या है ना भी रात को दोस्त है इसने क्या भी रात को नहीं आप मेला देख लेने, तो किड़ा है ना सुबह फर्स्ट टाइम किड़ा है ना आप काम कर लेवे। और रात को मैं छत किड़ा है उत्ते तुम मिट्टी वगैरह तला ली सी और कि हूँ असं दोनों रल के ना दस्ती ना खुडा वगैरह ढा के इटा वगैरह कि चक लें चक के और थोड़ा क्या मिस्त्री क्यों कर इससे पिछली बार तुम वेखे हो गए ना खुडा वगैरह उसारिया इन्ने भाई ने उसारिया तो और कुछ मेरे साले ने उसारिया तो आबिद भाई ने भी ना तिना जने रल के ना ये खुडा उसारिया फिर थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता करके और हूँ कि ना सारे ना डा लें इटा वगैरह उत्थे लै जाने इटा उत्थे लिजा के तो फिर उत्ते चढ़ा लवेंगे इटा चढ़ा के काम अज हो गया ठीक है, नहीं तो दूसरा ना रात को ना उसार लवेंगे खुडा कबूतर वगैरह सेफ है उत्ते ना खुडे डाकते ओ चूहा नस गया देखो बेच चूहा ही है इनू नस गया है इतने चूहे वगैरह बेच ना कबूतर तंग करते एक सैड तरक्की है कि तुम चावन सौखे हो जाए। हाँ और मैं भी हूँ भाई की हेल्प करना उत्ते चढ़ के ना सारा छत वगैरह लवाना अपना काम मुकम्मल करके थले शुरू करने अपना काम और ये वाली जाली रखी थी बेचना भी हवा वगैरह ना लगती रहे ना कबूतर का सार ना बंद हो वाली पट ली गई और भाई चला गया घर घर चो आता है ना तो फिर कहना ना नाल काफ़ी सारे ना रेड़ी लिया के ना बाइक दोवें मैं ना हेल्प कर लवेंगे एक दूसरे दिन घड़ी है ना चाक के ना उधर सेट लेने बस थोड़ी जी रह गई जी और दूसरी घड़ी है ना सारी ना पट ली क्योंकि गारे ना सुनाई हुई है दस्ती ना पट्टी जानी सी इतने इसमें टाइम नहीं लेना है चढ़ते इतनी मजबूत पकड़ी हुई तो छाड़ती नहीं रही है
हाँ जी, तो माशाल्लाह घड़ेगी ना हाली दीवार मुकम्मल डाल लेगी और रेड़ भी लेंदी नाल इट्टा वगैरह ना ढोई रखने और बच्चे भी माशाल्लाह सिपारा पढ़न गए सी आ गए ने। हाँ जी चलो रखो सिपारा भी रख दो ते ओ जी बच्चे ना होर भी जा रहे नाल देखो चलो रख के रोटी पुत्र खाओ तो फिर आ जाओ खेलना खुलने बल्कि खेलना तो इन्हें मैं नहीं देना पढ़ाई घड़ेगी ने शुरू कराना इन्हों को और इट्टा वगैरह उन्हें ढो लेने फिर ना उतली डम उन्ना सौखा हो जाएगा अगली चक लेने सारिया तो उस तो पिछे ना कि है ना एल ना थले फिर सिट देवे इतों ना चक देवे और बिच भी एक चूवी फिर बनती हैगी भी नसा दी देखो ए चेक करो है वेख फिर दी इतने असल तो ना चूहे वगैरह काफ़ी सारे है कबूतर ती मरते है करके ना कबूतर बच्चे काफ़ी सारे मर गए है। चलो कोई नहीं हूँ अच्छा डा लवेंगे कमरा उत्ते ही ना इन्हों का बनावे सब तो पहले इट्टा वगैरह सारिया चकने और लकड़ा वगैरह काफ़ी सारिया भी ना लै जाने उत्ते। हाँ जी तो दो एक रेहड़ियाँ सटिया है आके और दूसरी घड़ी ना हवा थोड़ी हैगी भाई ने क्या तुम बरा लो तो और उतो आ जाते और बेगम सभा भी ना नाश्ता बना रही। मैं तो काफ़ी बेगम सभा ने मना किया है भी रहन दो भी तबीयत थोड़ी अगर काफ़ी खराब हैगी तो फिर मैं क्या सी तुम्हें रहन दो तुम फिर भी बना ला तो मैं आटा गुना के तू सिस्टर लो या बाबी लवा लेंदा रोटियाँ चलो मजीद चल पका लो तो फिर तुम रेस्ट करो आराम सुकून करो बच्चों दे दो रोटी बच्चे भी ना के तू ये गए सपारा पढ़ने आ गए आ लै लो पुत्र आ जाओ तो और साड़ी रूटीन तो यही हैगी सुबह सुबह दी भाई बहन शेयर कर सकते हैं भी सुबह सुबह चाय तो नाल परौंठे चलो मैं भी ना काम वगैरह करता पे मेरा नाश्ता हो तैयार तो मैं आवाज़ मार लो ठीक है तो कि कप नवे लाए सी वह लै आना सी और चलो कि मिस्त्री बाई के आप लाया ना उस टाइम वो यूज़ करांगे चलो आप जिस टाइम मिस्त्री बाई लाई या मेहमान वगैरह आवे ना वो बड़े ही ना खूबसूरत मैं भैन भाई दिखाए से काफ़ी सारे ना अच्छे है वो वाले चलो मिस्त्री बाई और या कोई मेहमान वगैरह आवे तो उन्होंने वास्ते ना वो वाले ना बड़े ही ना खूबसूरत है प्यारे है बंद पा दें। हाँ जी नवा डिजाइन है नवा मॉडलिंग आया है चलो ठीक है माशाल्लाह घड़े है ना मैं इट्टा वगैरह ना भर रहे हैं अगर सिट रहे हैं भाई जोड़ी नाल ना घड़े की पट रहे है अगे कुछ मैं पट्टियां है उन्होंने कहा भी तुम ना अगर ढो सारियाँ एक ढो के ना कुछ अद्धिया तो कुछ उत्ते पा ली उस तो बाद दूसरी ना पिछले घड़े है ना ना पट लवानी नाल एक बार घड़े है ना इतों चाह के उत्थे ले जाने काफ़ी सारे फिर मट्टी करे नाल चपा देखियो अब और हवा कड़ी हैगी ना रेहड़ी के ना बरा के लेंदी है तो उन्हें जल्दी जल्दी ना चला लवेंगे और कड़ी हैगी ना काफ़ी सारे ना ज़्यादा से ज़्यादा लग के लैके जा रहे ठीक है और इतने ना एक बार ना जोड़ के कड़ी अगलियाँ है ना वो वाली ना बाई भी है मैं ना और कड़ियाँ है इटा हम अगलियाँ कड़ी है जप लें उस तो बाद ना कि दूसरिया है ना फिर लिया के रख दो जगह ना कड़ी है ना बिल्कुल थोड़ी है अगलिया ना मैं उत्ते खोवा कि थले खोवा चलो ठीक है भाई उरी फड़ावन गए थल्यो मैं उत्ते खोना उतू ना चप लेना इट्टा वगैरह तो ना कि है अगली चक लवेंगे उस तो बाद दूरिया कि हो गई नाल वाली वो फिर टो लवेंगे ठीक है मैं छाते भाई ने पहले भी छड़ दी है इट इतने आवे जिते मर्जी सिटी इट नहीं पिछा जाती अग
अगलिया ना कि ईटा ना कि जप लें उस तो बाद दूसरी फिर ना चक के लेवे क्योंकि गली च ना जगह थोड़ी है थले आ जाना जिते रखने चल अभी सही बिटाई कर लवानी अद्धिया कुछ ये बाई सट लेंदा है कुछ ना कि रह गया ना मैं फिर जा के ना थले सेट लवेगा ना ये वाली तो तुम सेट लो उस तू बाद ना मैं सेट लवा ठीक हो। हाँ जी तो माशाल्लाह अगलियाँ इट्टा कड़ी है ना सारियाँ जप लिया सी और कड़ी है ना माशाल्लाह बिल्कुल ना थोड़ियाँ जी रह गई आखिरी एक दो दीवार रह गई है अली दीवार तो और थोड़ियाँ जी इस साइड पर है और बाई और भर के दे रहे है नाल मैं कि ना चक चक के ना उत्थे सिटी जा रहा एक बार ना थली ना दोवें जाने ना मैं काम कर लें इतों का तो उस तो बाद ना उत्थे अगे जाके ना भी उत्ते थलो फिर मैं अगे जपाइया काफ़ी सारिया और बाई और बाद ना जपा लवेंगे नाल और कि है ना धुप चढ़ आई हैगी हूँ बड़ा मुश्किल हो रहा काम जल्दी जल्दी ना तो काफ़ी स्पीड मार रहे हैं रेहड़ियाँ तो बाई और चंगी भर भर के दे रहे हैं भी जल्दी हो जाएंगे बस ए सैड रह गई है तकरीबन ए वाली इट रह गई है तो तकरीबन वो वाली रह गई है सारिया चक्कन लगियां बस चक के तो फिर ना उत्थे सिटने और सफाई वगैरह करी है ना सारी ये आली भी ना करनी पैनी काफ़ी मट्टी वगैरह पई हैगी। हाँ जी बरीक ही मैं चल सट आना चल के ना और बिल्कुल ही ना बक्खी दे विच भी ना दर्द हो रही है पीड़ क्योंकि ना काफ़ी साफी स्पीड ना ला रहे हैं भी धुप तो पहले पहले ना अपना काम मुकाइए। हाँ जी तो माशाल्लाह इट्टा कड़ी है ना सारिया टोटल सना ढोलियाँ है और भाई और इंतजार कर रहे हैं मेरा हूँ कि भी इनू ना चक के ना उत्ते सट्टन लगे और कड़ा है ना दस्ती थोड़ा मेहनत करना थोड़ा सह काट लीए थोड़े हाँ थोड़े सह काट के ना तो फिर इन्हें डोने काफ़ी टाइम हो गया लगातार असी ना लगे हुए बिल्कुल ना मैं तुम दिखाना उदे ना सारियाँ बिल्कुल ना टोटल चेक लें ओहो आई सी और इधर देखो ये बंदे का काम चेक करो जी परी जी तैयार हो चुकी है और नष्ट कड़ा है ना इतने मेला है तो उदे मेले जाना सच्ची और तैयार हो के उनकी अम्मी ने तैयार कर दिता है बच्चों ने नहला दिता है और चले है ना मेला वगैरह है उत्थे कड़ा दसिया सी उत्ते ना जाना है शाम टाइम में जाना है और काम कड़ा है सारा साडा माशाल्लाह खत्म हो गया है और ये हाले सिर्फ रह गए फट्टे वगैरह और लकड़ा वगैरह यह भी ना चाक के उत्ते रख देवे और राजू अज फिर है जी कला और कबूतर वगैरह कड़े है ना अजी तो ना खुडा नहीं बनता भाई और भी मेले तो जा रहे है तो कड़िया ना इटा वगैरह सारिया उत्थे रख दी है और कड़ा है ना खुडे इन्हें कितने दोस्त थले ना कबूतर सारे ना छाड़ देने और इष्टा वगैरह कड़ी नहीं है चुना सारिया टोटल ना कड़ लिया है और काफ़ी सारे भाइय भेन का कमेंट आया उसी भाई तुम ना लक्कड़ का खुडा बना लो इटा का ना तुम रहन दो भी उत्ते ना बंदा चक किधर मर्जी कल तुम कमरे वगैरह उत्ते बनाने है तो वह वाला ना ठीक नहीं रहेगा फिर तुम पट्टोगे बिल्कुल थोड़ी गल ठीक है लक्कड़ का ही असं ना कोशिश कर लवेंगे फट्टे वगैरह कुछ पै है तो कुछ ना है लैगे कुछ ताकड़ी बच्चे यूज़ कर लवेंगे कुछ फटे दिन एक छोटा जि बना लें उ तो कबूतर दोस्तों छाड़ देने और एक और सिस्टर का कमेंट है असी अल्लाह उनकी जिंदगी करे मेरे सुना मालिक उन्हें तो रहमत करे परवादिगार हर वक्त उन्होंने क्योंकि भाई ना तुम ने यह आला प्लाट ना किधर सेल ना आवन दो प्लाट तुम ना आप ही लै लो ये आला ना कि मुश्किल औखे सौखे हो के ना तो कड़ा है ना प्लाट वगैरह कि जमीन भाई बेचन लगा है ना ये आला भाई तुम लै लो पर गुंजाइश नहीं हैगी देर ले ख्वाहिश तो काफ़ी हैगी भी असी लै लीए पर इतने ना पैसे नहीं है साढ़े को ते और एक भाई तो होर भी कमेंट है असी भाई थोड़े असी सारे कमेंट पढ़े है तो कड़ा है ना कोई किसी बंदे जिक्र नहीं किया भी तुसी जमीन लै लो या ना कोलू तुसी ना झूठ मार के ना कह रहे हो बकायदा असी कमेंट कड़ा है ना सिस्टर ने या भाई ने किया है ना वो असी आज ना थामिल ते ना वो कमेंट ला के तो फिर दसांगे भाइयों भैनों असी झूठ नहीं मारते जिस तरह कह अगर कि बाइया भेन सपोर्ट सानू करनी जो साड़ी हेल्प करनी वो अल्लाह पाक सोना मालिक उन्होंने हिम्मत दी है तो उन्हें साड़ी उन्हें सपोर्ट करनी हैगी और किसी के बंदे दे वस नहीं बंदे दे वस हो खाना भी ना खावन देवे कोई एक दूसरे को तो अल्लाह पाक के इतने प्यारे नेक बंदे है सोना मालिक उन्होंने रहमत करे सिस्टर मेरिया बहुत अच्छी अल्लाह उन्होंने जिंदगी करे मेरे अंकल जी मेरे भाई है बहुत सारे साड़ी माशाल्लाह सपोर्ट की है सानू पैसे दिते माशाल्लाह साढ़े घर वास्ते माशाल्लाह काफ़ी सारा ना साड़ी उन्हें हेल्प की है अल्लाह उन्हों की जिंदगी करे क्योंकि सारा घर मुकम्मल माशाल्लाह सारी शॉप वगैरह तुकना
माशाल्लाह मुकम्मल शॉप वगैरह कड़ी हुई है ना कैनेडा की मेरी सिस्टर अल्लाह उनकी जिंदगी करे सिस्टर रल के साथ मेरी हेल्प की बेगम साहबा हूँ शॉप पर बह जाती हैगी क्योंकि साडा कारोबार है नवी जीरो मीटर साड़ी इटा वगैरह वेख सकते हो नवी इटा थले साड़िया तो सिर्फ कड़ी इटा सी हैलियाँ पुरानिया थले रह गई ये आई नवा छप्पर मेरी सिस्टर हैगी दुए नारवे उन्हें पैसे भेजे से उन्हें माशाल्लाह दिते से अल्लाह पाक के जेडे नेक बंदे उन्होंने देने होंगे वो क्योंकि अल्लाह उन्होंने इतनी हिम्मत दिता जेडे ना किसी गरीब की हेल्प कर सके तो असं झूठ नहीं बोलते बकायदा असं कमेंट आज ना लावे थामिल और इस सिस्टर ने कहा है भी प्लाट तुम ना सेल बारा गुंजाइश नहीं दिल तो बहुत साडा करता भी कोई होर ना लै जाए साड़िया कुड़ियाँ जवान है बेगम साहबा भी सारे इस घर के जी बड़ी मुश्किल ही होनी है सानू कि कोई होर गैर आके आना है तो हालांकि उन्होंने बस यही किया है भाई बी तुम सेल करोगे ना तो इतों ना दरवाज़ा उन्होंने ना भाई कहना भी इतों कड़े उदू साडे ना घर दे उस कि है ना एरिया उदे आवन का भी अस उदू नहीं लंघन देना उ दीवार कर ले बेशक भी साढ़े फिर गली दे सारे लंघन टप्पा ने वो मुश्किल है कि वो फिर ना उन्हें कहा भी ये वो मरले की गली छुट जानी फिर चार मरलों के पैसे देने वो भाई ने कहा हालांकि उसके भाई का महंगी विकती भी मेरे तो भाई ने सस्ती दी सी उन्हें कहा भी घर आ जानी तुम सस्ती लै लो चलो कोई नहीं अल्लाह हिम्मत देगा तो लै लवेंगे नहीं तो फिर उनकी हैगी दिल ख्वाहिश तो काफ़ी सारी हैगी कि ना ना ही देिए तो और काम वगैरह काफ़ी सारा है ये अल करने सारा सफाई वगैरह ही अभी करनी हैगी सारा का चक के तो और कोई गल गलत लगी भाई भैन को असं माजरा चाहे असं तो बस भाइयों के कमेंटा के जवाब देने तो और बेगम सभा वास्ते सिस्टर ने काफ़ी कमेंट किए भाई ने तुम उन्होंने ब्लड वगैरह लगाओ ब्लड दिन उन्होंने कमी हैगी इंशाल्लाह ताला ब्लड तो मुश्किल मिलना है क्योंकि मैं तो अगले दिन भी दे आया ब्लड कि अपना उन्होंने कटा के लवा देव तो थोड़े जी दिन बाद जा किसी दोस्त वगैरह को पूछना उन्होंने ब्लड ना चेक कराने जो ब्लड की कमी हुई तो फिर नहीं तो उनके ना कोई शरबत वगैरह होगा वो पिलावे तो और कोई ना अल्लाह किता कल ना कुछ खैर सलाह दवाई वगैरह लीए ना साह का मसले थोड़ी मुश्किल बनती हैगी कुछ अगे ना बेहतर हैगी और अला समान वगैरह चकने तो उत्ते छड़ने इटा वाला भाई इंतजार करता पे उत्ते फड़ने चल के ना इटा वगैरह सारिया टोटल माशाला टोलियाँ है तो और भाई और चले गए घर में क्योंकि उन्हें क्या है भी मेरे को ना बस होगी गई क्योंकि उनकी जान ही थोड़ी जी हैगी उन्हें क्या बस ना मेरी एंड होगी और कि लगना वगैरह सारिया ने मैं कल चकनिया पैनिया है और समान वगैरह ना सारा चक के लै जाने इतने के ना रख दें ठीक है ना सारिया लकड़ा वगैरह ना बठल वगैरह सैड तो दूसरे कर दें ठीक है घरेली समान वगैरह खड़ेगा सारियाँ इतने लै के आ गए और खड़ेगी ना दूसरा कुछ रही है कि लकड़ा वो आस्ता आस्ता खड़ेगा ना नाल ले आना सारा समान अगर इतने रख छे फिर बाद ना छत उ हाँ जी तो जड़िया लकड़ा वगैरह तो सब तर सारियाँ डोल ने और मैं तो क्या भी मैं जड़ा ना सफाई कर लैनी हाँ तो उन्हें क्या तुम रहा दे मैं जड़ा ना सफाई कर लैनी अगे जड़े ना बच्चों के कपड़े से थोड़े जो दो नाले वह भी सारे दो दिते सू ते मम्मा ना भी किता अभी ना काम कीती खले ओ सुबह बंद थके खले ओ देखो ना तबीयत खराब ते ज्यादा तर ना मैं काम मेनू ना फिर नहीं करन देता मैं क्या ते थोड़ा जमा काम कर लेने है जड़ा ना मंजी ते पिया बंदा ज्यादा बीमार रहता देखो सबा ने मेरे तू पीछे बाहर के से फिरदा वतिया ना उस टाइम ना कपड़े वगैरह ना दो बच्चियां दे ना धो ले के नहीं ते मैं ते भी नहीं धोण देना सी मैं आप धो लेना सी हाँ जी बस थोड़े जैसे तो मैं आख चल जड़ा ना धो लैनी हाँ जे क्योंकि जड़ा ना मंजी तो पिया पिया एक तो बंदा बोर हो जाता है एक ज्यादा जड़ी ना तबीयत खराब होने पड़ती है ना बेगम साहब याद भी है तो ठीक होगी ना तो फिर मसला कोई नहीं मैं फिर तो तुम्हें पता मैं बह जाना तुम आप ही काम कर लेंगे हाँ पर मैं कि ना फिर एक दो दिन तो मुश्किल ना किसी को तबीयत है घट्टा मिट्टी फिर कि ज्यादा तर ना अच्छा नहीं है हाँ जी और कुछ जड़िया ना मैंने लकड़ा भी चीर के दितियां ने टोक के हाँ जी इन्हें क्या सफ तर जी जड़िया ना सौखियां बलन गया सुखियां बहुत ज्यादा
चक लिया माशाल्लाह हूं सिर्फ छत उत्ते है इटा वगैरा सारी सैट दी और लकड़ा ना मेरे को गुंजाइश नहीं सी एक बंदा उत्ते सैट नहीं सकदा हां जी बिलकुल कमारी काफी सारे ना पीड़ हो रही है बस इधरा हो गया माशाल्लाह सारा मुकम्मल साफ करता लकड़ा वगैरह टोटल है चक लिया है और सिर्फ वो फकत ना ताने वाली तिरपाल पई हैगी वाली ना चक के उत्ते सैट लवेंगे हूँ तो बिल्कुल एंड भी उत्ते नहीं चढ़िया जाना और कबूतर है बैठा है बाई का है मेरा तो आला है नहीं फिर ना गंदा ओ वो दस्ती उठ के उत्ते चला गया है क्योंकि बारह सबारे तो बह जाने ज्यादा उद्दे तक और चलने हूँ ना छत उत्ते भाइय भैन शेयर कराने भी जिस तरह का काम किया है और मैं भी कमरे की छत उत्ते आ गया काफ़ी सारिया माशाल्लाह इटा वगैरह है मेरी तो हूँ ना इरादा बदल रहा है भी कि इटा वगैरह ना इतनी इटा है इटा रोड़े काफ़ी सारे ने इधर भी ढेर लगा पाएगा है देखो ना तकरीबन काफ़ी सारी इटा है सारिया एक छत उत्ते आ गई है तो एक कि ना खुडा कि ना एक लकड़ तो होर छोटा जि बना लवेंगे कुछ कबूतर इन आ गए है कुछ उनके नाल ना रख देवे क्योंकि कल न कमरा पवे तो मुश्किल ना हो डाना फिर पवेगा एक लकड़ तो खुडा खड़ी फटिया वगैरह उनका बनवा लें एक ये अलग करके ना रख लवेंगे क्यों कुछ इन आ जमेंगे कुछ उनके आ जमेंगे तो खुडा उंज भी नहीं बनाने लकड़ा वगैरह कि पवनगियाँ तो एक काम यियाँ ना इतने चार दीवार कर लें इन ना नज़दीक करके अगे अगे क्योंकि तकरीबन एक दो सीमेंट दोरियां लगनिया है इन तकरीबन एक बोरी लगेगी एक बोरी ना मुकम्मल हो जाएगा ना मुकम्मल दीवार घड़ी ना मुकम्मल तो खो जाएगी हाल ना सारे बार एक मुकम्मल हो जाएंगे एक तो खूबसूरती इन बद जाएगी तो कमरे का डिजाइन पा जाए है तो पुरानी इटा क्योंकि पहले रोड़े वगैरह सारे ना रोड़े वगैरह है इटा नहीं है ज़्यादातर रोड़े भी है इटा भी है बेच ना रले मिले ना मिक्स है गई ये हालिया तकरीबन ना काफ़ी सारी दीवार हो जाएगी एक सीमेंट की बोरी लैके ना तो यहाँ ना काम मुकम्मल कर लें इतने यही मशवरा ठीक है भाइय भैन ना कमेंट करके जरूर दसना है ये आला ठीक है या खुडा ठीक है कबूतर का खुडा तो इन भी सर जाएगा और लक्के देख छोटा जोर बनवा लवेंगे उनके बेचना लगे वर्तेंगे और यहाँ कि इटा है ना ये चार दीवारी करा लें उत्तू अमल अमत तो सैड तू मुकम्मल और भाइय भैन कमेंट करके जरूर दसना भी असी वाड़ करिए कि कबूतर का खुडा बनाइए हाँ जी तो माशाल्लाह सारा काम वगैरह कर लिया है और बेगम साहबा भी घर का तो कर ही लिया है तुसा ना अंदरला कि ना चार पाइया वगैरह कि जोड़ दी है सारिया ने भी उत्ते कि ना रजाई वगैरह ने बिछा दी है हाँ जी चलो अच्छी बात हैगी तो और तुम रेस्ट करो या सब्जी वगैरह मैं लै आना तो जी बनती तो ठीक है नहीं तो फिर अच्छ साल रात वागू ना सिस्टर लैके वाग दें मैं रोटियाँ उदू पका नहीं पकदियाँ तो फिर ठीक मैं रात में साल लै लवागा फिर चलो बेहतर हो गए जो पका लो तो ठीक हैगा तो काफ़ी सारिया ना सिस्टर ने कमेंट किए थे वास्ते अल्लाह उन्होंने जिंदगी करे भी ना इन ब्लड का मसला है थोड़ा घना टेस्ट करावे खून रिपोर्टा वगैरह होवे ना सारा कुछ तो ही हों तो वह वाला ना आस्ता आस्ता अला हिम्मत देगा ना तो नाल वाला भी ना मुकम्मल काम करने सब तो पहले थोड़ा इलाज करने उस तो बाद को करने हिसाब को पैसे इकट्ठे आते इन्ना तो वह वाला ना तुहाडा जाकर रिपोर्ट वगैरह करा के तो अच्छी दवाई लैने अल्लाह सेहत देवे सोना मालिक तुहाडे नाल साडी जिंदगी हैगी क्योंकि बच्चे भी तुहाडे नाल मेरी जिंदगी भी तुहाडे तो पिछे की होनी हैगी ता करके उस कमियां बेगम का दोवां दे नाल जोड़ा हुंदा हैगा एक दूसरे तो पिछे कोई राह नहीं हुंदा ते वेखो ना मोड़ भी गट्टा मिट्टी अंदर किहड़ा हैगा ना आ ही जांदा हैगा तो खांसी बचिया करो तो तेन कहता पाया और साड़ी वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर किया करो भाइयों भैनों का बहुत शुक्रिया जेडे इतने इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह कमेंट करते हैं और कि हूँ बिल्कुल ही बुरा हाल होया पाएगा क्योंकि ना तो के ठीक ठाक हो के बाहर बहने शॉप से क्योंकि कोई गाहक वगैरह नला करे दुकानदारी ना चलाने घर का काम तो कि मुकम्मल हो गया है इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता अल्लाह हिम्मत देगा तो उत्ते कड़ी है ना मेरी तो बेगम सब दिल बनी हैगी भी वो कड़ी इटा पई इन उत्ते उन्होंने ना चार उत्ते ना विचार दीवारे कर देिए या खुडा बना ले कबूतरा करना लकड़ा का खुडा बना लेना लकड़ का छोटा जोर न कुछ थोड़े जे दोस्तों मैं छाड़े कुछ थोड़े एक दो जोड़े बंदे है उत्थे बच्चे रहन जाएंगे तो चार दीवारी कर लें वाढ़ी गुआढ़ी तो बचत हो जाएगी तो अपने उत्ते कबूतर फिरते रहेंगे ठीक है ना।
तो अगर भाइयों भैन कोई है कमेंट करके जरूर दसना है जो अगर ये सू काम ठीक लगे था तो और अज के बिलोक भाइयों भैन को इतने लै रहे हैं जजता अल्लाह निगेबान इंशाल्लाह जहाँ अच्छे जी प्यारे जी बिलोक भाइयों भैन सुबह मुलाकात करांगे।